वेलकम टू टेस्टी किचन वाइव्स। आज की रेसिपी है वेज मेयोनीज सैंडविचेस, वो भी तीन अलग तरीके से। तो सबसे पहले बनाएंगे मिक्स वेज मेयोनीज चीज़ सैंडविच। तो आप इसके लिए व्हीट ब्रेड या फिर मैदे का भी ब्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे व्हीट ब्रेड लिया हुआ है। तो सबसे पहले कैप्सिकम को कट कर लेंगे और फिर उसके बाद गाजर को ग्रेट कर लेंगे और फिर पत्ता गोभी है उसको भी फाइन कट करके उसको वॉश कर लेंगे। आप उसको गर्म पानी डाल के थोड़ी 2-3 मिनट रख के फिर उस वाटर को ड्रेन कर लीजिए। थोड़ा सा भी पानी उसमें नहीं रहना चाहिए, नहीं तो सैंडविचेस सॉगी बनते हैं। पत्ता गोभी को अच्छे से स्क्वीज करने के बाद जो शिमला मिर्ची और गाजर कट किया था उसमें आप उसको मिला लीजिए। और फिर आप यहाँ पे कोई भी शिमला मिर्ची ले सकते हैं, कोई भी कलर की। यहाँ पे हरी शिमला मिर्ची ली हुई है। तो उसके बाद उसमें आप ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स और नमक और मेयोनीज डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मेयोनीज की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। फिर एक पैन में 2 ब्रेड की स्लाइसेस लेके आप उसको एक साइड से थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। फिर थोड़ा गर्म होने के बाद उसके ऊपर आप चीज़ रख दीजिए। चीज़ को अच्छे से पूरे एक स्लाइस के ऊपर कवर कर दीजिए। फिर उसके बाद उसमें चीज़ के ऊपर आप जो फिलिंग हमने बनाई थी मेयोनीज और सब्जियों की उसको अच्छे से आप स्प्रेड कर दीजिए। फिर उसके बाद अगर आपको पसंद है तो आप टमाटो केचप डाल सकते हैं। ये जो मिक्स वेज का फिलिंग बनाया है इसको बनाने के बाद आप तुरंत सैंडविचेस करने के लिए ले लीजिए, नहीं तो ये पानी छोड़ सकता है। अगर आपको सैंडविचेस थोड़ी देर बाद बनानी है तो ये जो फिलिंग बनाया है उसमें आप नमक तभी मिलाइए जब आप सैंडविचेस बनाएंगे, क्योंकि नमक से उसको पानी छूटने के चांसेस है और उससे सैंडविच सॉगी बन सकता है। फिर उसके बाद एक पैन में बटर लेके सैंडविच को दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लीजिए। दोनों साइड से अच्छे से रोस्ट होने के बाद आप इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको लगे तो आप इसके स्क्वायर या फिर ट्रायंगल शेप में इसको कट कर सकते हैं। और फिर गर्मा गर्म वेज मेयो चीज़ सैंडविच बनके तैयार है। आप इसको अगर चाहिए तो एक्स्ट्रा सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और अब हम बनाते हैं दूसरी सैंडविच की रेसिपी, जो कि है कैप्सिकम मेयोनीज चीज़ सैंडविच। तो कैप्सिकम मेयोनीज चीज़ सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे ग्रीन शिमला मिर्ची ली हुई है। अगर आपके पास हरी शिमला मिर्ची नहीं है तो आप कोई भी दूसरे कलर की शिमला मिर्ची ले सकते हैं। फिर चीज़ स्लाइस को अच्छे से एक स्लाइस के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। अगर आपके पास श्रेडेड चीज़ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर शिमला मिर्ची को यहाँ पे लॉन्ग कट कर लिया है और फिर पूरे स्लाइस के ऊपर उसको अच्छे से अरेंज कर दिया है। और फिर दूसरी जो स्लाइस है उसके ऊपर मेयोनीज डालेंगे। मेयोनीज को आप अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। मेयोनीज का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मेयोनीज हाई कैलोरी है। तो इसकी वजह से अगर आप कैलोरी कॉन्शियस हैं तो आप कम यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेयोनीज के लिए अल्टरनेटिव रहता है हंग कट। तो आप के पास अगर वो है और आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर टमाटो केचप स्प्रेड कर लेंगे। टमाटो केचप के ऊपर अगर आपके पास कोई भी पिज़्ज़ा सीजनिंग अवेलेबल है तो आप वो डालिए, या फिर ऑरिगेनो अवेलेबल है तो वो डालिए। और फिर उसके ऊपर चिली फ्लेक्स डालिए। अगर आपको पसंद है तो आप काली मिर्च पाउडर भी उसके ऊपर डाल सकते हैं। फिर एक पैन में आप बटर स्प्रेड कर लीजिए और उसके ऊपर ये जो सैंडविच बनाया है उसको दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक टोस्ट कर लीजिए। फिर ये क्रिस्पी बनने के बाद इसके आप एक तो ट्रायंगल या फिर रेक्टेंगल शेप में इसको कट करके सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही इजी और क्विक बनती है। आपके बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये परफेक्ट रेसिपी है। और फिर ये अगर ठंडे भी हो जाए तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। अब बनाते हैं पोटैटो लेटिस मेयोनीज चीज़ सैंडविच। अब ये सैंडविच बनाने के लिए एक पैन के ऊपर थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर लीजिए और फिर पोटैटो के राउंड शेप करके उसको रोस्ट कर लीजिए। यहाँ पे बॉयल पोटैटो लिया हुआ है, क्योंकि बॉयल पोटैटो को कम बटर या फिर ऑयल लगेगा। अगर आपके पास बॉयल पोटैटो नहीं है तो आप थोड़े ज़्यादा तेल में पोटैटो को राउंड शेप करके गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। अगर आपके पास पोटैटो की सब्ज़ी बची हुई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर 2 ब्रेड स्लाइस लेके दोनों को एक साइड से अच्छे से गर्म करके उसके ऊपर
एक चीज़ की स्लाइस या फिर श्रेडेड चीज़ आप उसके ऊपर रख दीजिए। फिर जो पोटैटो कुक किए हुए थे उसको अच्छे से अरेंज कर लीजिए, और फिर दूसरे ब्रेड स्लाइस के ऊपर आप मेयोनीज और टोमेटो केचप डाल के उसको नाइफ की हेल्प से पूरे ब्रेड स्लाइस के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। और फिर आपके पास कोई भी सीजनिंग अवेलेबल हो, जैसे कि पिज्ज़ा, पास्ता या फिर ऑरिगेनो, आप उसमें वो डाल लीजिए। और फिर उसके ऊपर आप चिली फ्लेक्स डालिए, अगर आपको पसंद है तो काली मिर्च पाउडर डालिए, और फिर यहाँ पे गार्लिक पाउडर डाला हुआ है। गार्लिक पाउडर कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप सब्ज़ी यूज़ कर रहे हैं सैंडविच बनाने के लिए तो सब्ज़ी में अगर गार्लिक है तो आपको गार्लिक पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं भी है तो नहीं भी डाली तो भी चलता है। फिर उसके बाद आप लेटिस को पहले ही वॉश करके, उसको ड्राई करके, फाइन चॉप करके उसको पोटैटो के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। आप लेटिस जो है उसको ड्राई करके ही अरेंज कीजिए, क्योंकि फिर नहीं तो सैंडविच सॉगी हो सकता है। फिर उसके बाद एक पैन में आप बटर डाल के जो सैंडविच बनाया है उसको दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। उसको आप प्रेस करके रोस्ट कर लीजिए। अगर आपके पास सैंडविच मेकर है तो आप ये तीनों सैंडविच सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ग्रिल सैंडविच मेकर है तो आप उसमें भी ग्रिल सैंडविच बना सकते हैं। फिर इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए, आपको चाहिए तो आप ट्रायंगल या फिर स्क्वायर शेप में कट कर लीजिए, और फिर गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अगर आपको ये तीनों सैंडविच की रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू टेस्टी किचन वाइब्स।